हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गोस्ट स्टडी विद साक्षी। सो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज बबल सॉर्ट। वी नो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। उनमें से जो बबल सॉर्ट है ये सबसे इंटरेस्टिंग एंड इजी भी है। सो लेट्स डू दैट टुडे। सो बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट्स एल्गोरिदम। द एल्गोरिदम सेज, गिवन अ वन डायमेंशनल एरे ए विद एन एलिमेंट्स, दिस सॉर्ट्स द एरे अकॉर्डिंग टू द बबल सॉर्ट टेक्निक। यानी कि हमारे पास एक एरे होगा विद एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन कैन बी एनी नंबर इंटीजर, मतलब एरे में कितने हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं। और ये जो टेक्निक है बबल सॉर्ट की, ये जो एल्गोरिदम है, ये सॉर्ट करेगा एरे को अकॉर्डिंग टू द बबल सॉर्ट टेक्निक, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा रिपीट स्टेप टू, फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन। दिस इज फॉर द नंबर ऑफ पासिस, कि कितने हमारे पासिस चलेंगे। ऑलवेज हमारा जो इस एल्गोरिदम में पासिस कितने चलेंगे, जितनी हमारी एन होगा, यानी कि जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम, एन माइनस वन तक ये जो है पासिस हमारे चलेंगे। एंड द नेक्स्ट इज रिपीट स्टेप थ्री, फॉर जे इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन, राइट। ये जो एल्गोरिदम है, दिस इज फॉर नंबर ऑफ पासिस, ये जो स्टेप है हमारा, सॉरी, नंबर ऑफ पासिस, एंड दिस इज टू एग्जीक्यूट पासिस। यहाँ पे ये पास को एग्जीक्यूट करेगा, पास यानी कितने हमारे स्वैपिंग या इंटरचेंजेस होंगे इस एल्गोरिदम में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, ठीक है गाइज। अब सीरीज एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है जिसमें कि हमारे सेवन एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये क्या है, इनका जो इंडेक्स है इसे बोलते हैं जे, इसे हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे जे से। तो उन्होंने बोला है ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, दैट मीन्स अगर ए जे, जे इज टू, इस टाइम पे हमारा जे टू है, तो जे प्लस वन क्या होगा, थ्री। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर कंडीशन लगी है, इफ कंडीशन, कि ए जे, यानी कि इफ ए टू इज ग्रेटर देन ए थ्री, कि मतलब ये जो पहले वाला हमारा ए टू है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन ए थ्री, देन क्या करेंगे, इस ए जे को उठा के, इस स्पेस को, अगर ये ग्रेटर है तो दैट मीन्स हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करने के लिए हम इस सेकंड नंबर, सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको उठा के एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल देंगे, राइट। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सिंपल स्वैपिंग, मतलब जो ए जे पे है वो ए जे प्लस वन पे चला जाएगा, राइट। ए जे वाला, जो ए जे प्लस वन वाला है, सॉरी, ए जे प्लस वन वाला कहाँ चला जाएगा, ए जे पे। और उसके बाद हमारी ये पोजीशन भी खाली हो गई, ये एलिमेंट। उसके बाद क्या होगा, जो टेम्प पे है, टेम्प वेरिएबल में जो हमने स्टोर किया है एलिमेंट, वो कहाँ आ जाएगा हमारा, ए जे प्लस वन में, अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम स्वैपिंग कर रहे हैं ए जे और ए जे प्लस वन के बीच, ठीक है। उसके बाद बस हमारा लूप ये कब तक चलेगा, जब तक हमारे सारे पासिस एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, सारी स्वैपिंग नहीं हो जाती, राइट। तो बस एंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड सेकंड एंड फर्स्ट लूप इज एंड, एंड देन रिटर्न, दिस इज आवर एल्गोरिदम। तो ये हमारा एल्गोरिदम था। नाउ वी विल परफॉर्म दिस विद हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम, वी विल सॉर्ट आउट दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो द फर्स्ट पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है यहाँ पे, पास वन, राइट। सबसे पहले वी विल चेक दीज टू, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर। ए वन एंड ए टू इंडेक्स पे जो है एलिमेंट्स, उनको कंपेयर करेंगे। 19 इज लेस देन 64, देयरफॉर नो स्वैप। तो पास वन में हमारा एज इट इज यही हमारा एरे जो है रहेगा, दैट इज 19, 64, 98, 34, 27, 27 and 2, राइट, बिकॉज देयर इज नो स्वैप, राइट। कोई स्वैपिंग नहीं होगी बिकॉज 19 इज लेस देन 64। नेक्स्ट वी विल डू दिस, हम इनको कंपेयर करेंगे अब 64 एंड 98, 64 इज लेस देन 98, देयरफॉर अगेन नो स्वैप। अब हमारा फिर से एरे क्या है, सेम, राइट, 57, 27 and 2। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कंपेयर ए थ्री एंड ए फोर वाले एलिमेंट्स को, राइट। 98 इज लेस देन 34, नो, इट इज ग्रेटर, सिंस 98 इज ग्रेटर देन 34, देयर फोर स्वैप। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारी स्वैपिंग कर देंगे,
ठीक है, वही एल्गोरिदम जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के अकॉर्डिंग स्वैपिंग ये कर रहा है, और ये जो पासिस हैं ये हमारे चलते जा रहे हैं बिकॉज हम स्टेप्स को क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो 19, 64, then 34, then 98, 57, 27 and 2, राइट। नाउ वी विल कंपेयर 98 and 57, राइट। वी विल कंपेयर दिस अगेन, 98 इज ग्रेटर देन 57, स्वैप 19, यहाँ पे क्या कर देंगे स्वैप 64, 34, 57, 98, 27 and 2, राइट। इनकी पोजीशंस आपस में क्या हो गई स्वैप। देन वी विल कंपेयर 98 and 27, अगेन 98 इज ग्रेटर देन 27, देयर फॉर वी विल स्वैप। अब हमारा जो एरे है क्या बना, 19, 64, 34, 57, 27, 98 and 2, राइट। इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कंपेयर 98 and 2, राइट। अगेन 98 इज ग्रेटर देन 2, देयर फॉर वी विल स्वैप आउट। हम फिर से क्या कर देंगे, इनको स्वैप कर देंगे, राइट। अगेन आर एरे बिकम्स 19, 64, 34, 57, 27, 2 and 98, राइट। एट द एंड ऑफ पास वन, ये अभी हमारा पास वन कंप्लीट हुआ है, वी गॉट दिस एरे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, जो नेक्स्ट पास में, पास टू में ये एरे हमारा आगे जाएगा। इस पास में हुआ क्या, सिर्फ 98 को उसकी ओरिजिनल पोजीशन मिली है, ये 98 अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है, राइट। नाउ इन नेक्स्ट पास, पास टू, पास टू में हमारे पास एरे क्या था, 19, 64, 34, 2 and then it's 98, ओके। अगेन वी विल कंपेयर दिस, नो स्वैप बिकॉज 19 इज लेस देन 64, ठीक है, नो स्वैप। तो वी विल गेट आर नो स्वैप। Now we will get again same array, 19, 64, 34, 57, 2, 98. We will compare 64 and 34. 64 is greater than 34, therefore we will swap, right? We will swap this out. You can see bubbles are forming with the when we are swapping, bubbles are forming. That's why the name of this algorithm is bubble sort. 19, 34, 64, right? Their places are interchanged. 57, 27, 2 and 98. Now next we will compare 64 and 57. 64 हमारा बड़ा है 57 से, therefore we will again swap. Now we will get array 19, 34, 57, 64, 27, 2 and 98, right. Now comparing 64 and 27, again it is less, therefore swap. You can see धीरे धीरे हमारा जो अब जो एलिमेंट है कौन सा, 64 अपनी पोजीशन पे जाएगा, 19, 34, 57, 27, 64, 2 and 98. Now 64 and 2. You can see we will swap here because 2 is less. So 19, 34, 57, 27, 2, 64, 98. Right? Then 96 and in this pass 64 and 98 got their right पोजीशन, मतलब 98 को तो पहले मिल गई थी, अब 64 को भी अपनी पोजीशन मिल गई। तो एट द एंड ऑफ पास टू वी गॉट द एरे दिस। नाउ पास थ्री, राइट। हमारे यहाँ पे सेवन एलिमेंट्स थे तो सिक्स पासेस एग्जीक्यूट होंगे पास थ्री। तो एरे वी गॉट इज 19, 34, 57, 27, 2, 64 and 98. Comparing these both,
no pass, no swap, therefore no swap. Again, we will repeat these steps until all the elements are not sorted. ठीक है. Now comparing 57, 27, 264 and 98. Comparing 34 and 57. Again, no swap, right? No swap. Next, 19, 34, 57, 27, 2, 64, 98. Now we will compare 57 and 27. Here there will be swap because 57 is greater than 27, therefore swap. 19, 34, 27, 57, 2, 64, 98. Right? Now comparing 57 and 2, we know there will be swap. 19, 34, 27, 2, 57, 64 and 98. This becomes our array at the end of pass 3. ठीक है. अब आप देख सकते हैं 57, 64 and 98 are there, are at their correct position, right? तो this ends our pass 3. Now pass 4. आप देख रहे हैं हमारी जो स्वैपिंग है, मतलब हमारे जो स्टेप्स हैं हर पास में वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, राइट? बिकॉज हर एक एक एलिमेंट हर पास के एंड में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच रहा है. दिस वाज आवर एरे, राइट? 19, 34, 27, 2, 57, 64 and 98. नाउ हम अब यहाँ पे देख सकते हैं 19 और 34 का तो कोई स्वैप होगा नहीं, जैसे हर स्टेप में था. नाउ वी विल डू 34 एंड 27. यहाँ पे स्वैपिंग होगी तो 19, 27, 34, 2, 57, 64, 98. राइट? तो यहाँ पे हमारी स्वैप हुई. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग 34 एंड 2, our array will become 19, 27, 2, 34, 57, 64 and 98. Now we got 4 sorted elements. हमारे 4 elements अपनी positions पे पहुंच चुके हैं at the end of pass 4, right? Now pass 5. The array we got was 19, 27, 2, 34, 19, 27, 2, 34, 57, 64 and 98. Right? Comparing these two, there will be no swap. Right? So in the next step, हमारा यही array आ गया हमारे पास. Now comparing 27 and 2, right? अब तो आप लोगों को ये प्रोसीजर समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे इसकी स्वैपिंग कर रहे हैं हर पास में कंपेयरिंग करके, राइट? अब यहाँ पे जैसे 27 वॉज ग्रेटर तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्वैप किया. तो एट एंड ऑफ पास 5 हमारे पास ये एरे मिला और ये 5 एलिमेंट्स दे आर एट देयर करेक्ट पोजिशन. तो नाउ देयर इज पास 6. ठीक है. पास 6 के एंड, पास 5 के एंड में जो एरे मिला था वॉज 19, 2, 27, 34, 57, 64 and 98. कंपेयरिंग दीज टू, यू कैन सी हमारी यहाँ पे स्वैपिंग होगी. तो 2, 19, 27, 34, 57, 64 and 98. गाइज सी, हमारा ये एरे है बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है, राइट? सो देयरफॉर सॉर्टेड. Sorted array is 2, 19, 27, 34, 57, 64 and 98. Guys, I hope ये
वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बबल सॉर्ट की पूरी टेक्निक मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाई है। सो गाइज, ये उसका जो एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्लीज आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी फीडबैक, क्वेरी, डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट्स कर सकूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।